हे गाइस, कुशाल यार एंड यू वाचिंग माइनिंग टिप्स। और स्वागत है गाइस आप सभी का एक और मस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आसूस का ऑरसिंग सॉफ्टवेयर रेफर एप्लीकेशन के बारे में। तो आप सब में से जो लोग यहाँ पे आसूस का गेमिंग मदरबोर्ड खरीदना चाहते हो या फिर खरीदने का सोच रहे हो, आज का वीडियो उनके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको आसूस के ऑरसिंग के सारे जितने सारे भी इफेक्ट्स है वो आपको सारे के सारे एक एक करके दिखाऊंगा। और एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक्चुअली में देखने में कैसा लगता है जब आप वो उसका मदरबोर्ड से सिंक करते हो, तो वो देखने में कैसा लगता है एंड किस तरीके का यहाँ पे आपको इफेक्ट्स आरजीबी इफेक्ट्स देखने को मिलता है। एंड आसूस का जो पुराने वाले ऑरसिंग एप्लीकेशन था वो यहाँ पे आसूस ने चेंज करके यहाँ पे आर्मिन क्रिएट वाला सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया है। और आसूस का जो ऑरसिंग वाला जो एप्लीकेशन है वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसके बदले हमारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि आर्मिन क्रिएट सॉफ्टवेयर। उसका मैं थोड़ा बहुत टूर दूंगा एंड मैं आपको सारे के सारे जो ऑरसिंग वाले इफेक्ट्स हैं या फिर जो भी इफेक्ट्स है, जो भी आरजीबी इफेक्ट्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको ऑरसिंग या फिर आसूस का मदरबोर्ड्स में आपको यहाँ पे कितने तरह का आरजीबी इफेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर मदरबोर्ड्स। तो अगर आपको एंड ऑफ द वीडियो ये वाला वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिकॉज एक एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मोटिवेशन लगता है एंड यू गाइस आर माय मोटिवेशन। तो यार सब्सक्राइब कर देना, मेरे को भी अच्छा लग जाएगा एंड अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ओके, तो ये गाइस आसूस का आर्मी क्रिएट सॉफ्टवेयर, नया वाला सॉफ्टवेयर। पुराने वाले जो ओवर सिंगल एप्लीकेशन था वो आसूस ने डिसकंटिन्यू कर दिया है और इसके बदले ये वाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आई डोंट नो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये कौन सा मदरबोर्ड के साथ अभी कंपेटेबल है, बट मेरे पास आसूस का रॉक स्ट्रिक्स B450F है तो उसके साथ ये कंपेटेबल है। और मैं आपको इसका एक टूर देने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या होता है और क्या ये पुराने वाले जो ऑरसिंक एप्लीकेशन है उससे बेहतर है कि नहीं। तो एनीवे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स देके रखे हैं, डिवाइस, ऑरसिंक, गेम लाइब्रेरी, सिनेरियो प्रोफाइल्स, फीचर्ड, न्यूज़। इन दोनों का तो हमको कोई काम नहीं है बट देके रखे हैं। यूज़र सेंटर, उसके बाद सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में यहाँ पे आप दो थीम्स के बीच चूज़ कर सकते हो, या तो आप रॉक स्ट्रिक्स वाला थीम डाल सकते हो या फिर आप टफ़ गेमिंग वाला थीम डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रॉक स्ट्रिक्स वाला थीम डाल के रखा है, टफ़ गेमिंग वाला ज़्यादा अच्छा है। लेट्स स्विच करते हैं पहले। तो ये हमने स्विच कर लिया टफ़ गेमिंग में, देख सकते हो आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये हमारा टफ़ गेमिंग थीम है और यहाँ पे अपडेट सेंटर देके रखा है जहाँ से आप अपने आसूस के मदरबोर्ड के सारे जो ड्राइवर्स है उसको अपडेट कर सकते हो, ड्राइवर्स, फ्रेमवर्क जो भी है वो सबको अपडेट कर सकते हो। और अबाउट में एज यूजुअल ऐप वर्जन और जो भी कुछ नालावा रहता है वो डाल के रखा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको डिवाइस दिखाता हूँ। डिवाइस में मेरा सिर्फ यहाँ पे ऑरसिंक में सिर्फ मेरा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा मदरबोर्ड दिखा रहा है। अगर आपके पास मे बी यहाँ पे आसूस का कीबोर्ड है या फिर माउस है तो वो भी यहाँ पे आपको देखने लगेगा, उसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि ऑरसिंक को सपोर्ट करता है। जो भी डिवाइस है आपके पास ऑरसिंक वाले, सारे के सारे डिवाइसेस को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हमारा पहला वाला टैब ऑरसिंक का जो कि शट डाउन इफेक्ट, यहाँ से आप शट डाउन इफेक्ट का कंट्रोल कर सकते हो। जब आपका पीसी ऑफ रहेगा तब आपका मदरबोर्ड में कौन सा लाइट जलेगा, या फिर अगर आप उसको ऑफ रखना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, या फिर ऑन भी रखना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑन भी करके कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो। तो वो आप जब आपका पीसी शट डाउन रहेगा तब वो वाला इफेक्ट वहाँ पे आपके मदरबोर्ड में चलेगा, ठीक है। यहाँ से आप स्टैटिक इफेक्ट दे सकते हो, ब्रीदिंग डाल सकते हो, स्ट्रोबिंग डाल सकते हो, कलर साइकिल डाल सकते हो, रेनबो और स्टेरी नाइट भी डाल सकते हो। यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो कौन सा कलर में चलेगा। तो ये वाला तो हुआ शट डाउन इफेक्ट। अभी हम लोग चलते हैं एक्चुअल इफेक्ट पर, ठीक है, जो कि है हमारा यहाँ से सिंक डिवाइस। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ मेरा रॉक स्टिक्स गेमिंग मदरबोर्ड है। यहाँ से अगर आपके पास कोई दूसरा आसूस का पेरिफेरल है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप डायरेक्टली सिंक कर सकते हो। चलते हैं हमारा ऑरा इफेक्ट पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पे देके रखा है। स्टैटिक पे नॉर्मली स्टैटिक आप मतलब जानते हो कि यहाँ पे स्टैटिक लाइट कैसे चलता है। और यहाँ से मैं इसका कलर को चेंज कर सकते हो, सैचुरेशन को घटा सकता हूँ, थोड़ा बहुत बढ़ा सकता हूँ। और ये हमारा कलर व्हील, यहाँ से मैं कोई भी कलर जलूँगा तो वो उस कलर में यहाँ पे जल जाएगा। तो यहाँ पे कलर साइकिल यहाँ से चूज़ कर सकते हो और यहाँ से आप सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो या फिर डिम कर सकते हो उसको या फिर ब्राइट कर सकते हो, ओके। और लेट्स से यहाँ पे अगर आपको ये वाला कलर पसंद आता है तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो अपने फेवरेट्स पे, तो ये ऐड हो जाएगा। डायरेक्टली क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से वो वाला जो लाइट है वो जल जाएगा। यहाँ से आप आरजीबी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डाल सकते हो कि कितना ब्राइटनेस पे ये जलेगा, तो उस हिसाब से ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलते हैं ब्रीदिंग इफेक्ट पे। काफ़ी सिंपल सा ब्रीदिंग इफेक्ट है, ब्रीदिंग इफेक्ट तो जानते ही हो। कलर यहाँ से चूज़ कर लो, कोई भी कलर यहाँ से साइकिल से, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लो। और उसके बाद आप यहां से इसको स्लो पे भी ब्रीदिंग कर सकते हो या फिर अगर आपको मीडियम में इसका जो एनिमेशन इफेक्ट है उसको आप स्पीड अप भी कर सकते हो, रियली फास्ट पे यहां पे आप स्पीड अप कर सकते हो।
स्लो मीडियम फास्ट तीन टाइप का यहाँ पे आपका स्पीडिंग मीटर यहाँ पे दे के रखा है, वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये हमारा ब्रीदिंग इफेक्ट है और कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोल रखा है। तो ये हमारा ब्रीदिंग इफेक्ट है। अभी हम लोग चलते हैं स्ट्रोबिंग इफेक्ट पे। स्ट्रोब तो आप जानती हो, रैंडम का यहाँ पे एक ऑप्शन है, रैंडम पे क्लिक करके रखोगे तो ये अलग अलग कलर्स में यहाँ पे स्ट्रोब करेगा। और अगर आप रैंडम को ऑफ करते हो और कोई स्पेसिफिक कलर में यहाँ पे स्ट्रोबिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे रेड, येलो या फिर ग्रीन, मे बी सियान और पर्पल, ब्लू, जो भी कलर चाहो यहाँ से आप पिक कर सकते हो और वो उस कलर में स्ट्रोब होगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे से भी आप स्पीड को चेंज कर सकते हो, स्लो पे, मीडियम एंड फास्ट। बट मैं पर्सनली रैंडम पे रखना पसंद करता हूँ, ताकि ये मतलब और ये जो मीटर है इसको मैं स्लो में रखना पसंद करता हूँ, तो ये काफ़ी एकदम स्मूथ वाला एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करता है। कलर साइकिल में चलते हैं, तो कलर साइकिल में कुछ खास तो है नहीं, सिर्फ कलर साइकिल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। ये सिंपली यहाँ पे 16 पॉइंट जो भी मिलियन कलर्स है वहाँ उसमें ये साइकिल होता रहेगा, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। बट आई विश यहाँ पे इसके लिए भी एक बार देता, मतलब एनिमेशन स्पीड का बार, तो वो काफ़ी अच्छी बात रह जाता। तो ये हमारा कलर साइकिल इफेक्ट। चलते हैं रेनबो इफेक्ट पे। तो रेनबो इफेक्ट पे चला गया। यहाँ से रेनबो इफेक्ट में यहाँ पे आपको काफ़ी सारा पैटर्न देके रखे हैं, उसमें से आप कोई पैटर्न में चूज़ करोगे तो वो उस पैटर्न में यहाँ पे ग्लो करेगा सारे के सारे, मतलब पास थ्रू होगा। तो ये हमारा एकदम रेनबो वाला रेनबो इफेक्ट पैटर्न रेनबो है। और उसके बाद मैं अगर रेड एंड ब्लैक देता हूँ तो देख सकते हो धीरे धीरे एक एक करके जलेगा, उसके बाद फेड होता रहेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। पैटर्न यहाँ पर आपको काफ़ी सारा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ऑरा सिंक एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलता था, बट यहाँ पर आपको काफ़ी सारा पैटर्न देखने को मिल जाता है, जैसे कि रेड एंड ब्लू और उसके बाद येलो एंड रेड, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ से आप कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हो और आपका LEDs जो है या फिर जो RGB लाइट्स उसी पैटर्न में यहाँ पे ग्लो होगा, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हमारा रेनबो इफेक्ट हो गया। अभी हम लोग चलते हैं स्टेरी नाइट पे। स्टेरी नाइट नॉर्मली एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ से आप बैकग्राउंड इफेक्ट को कोई यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेरे को बैकग्राउंड इफेक्ट चाहिए ब्लू में, एकदम डिम में यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद इफेक्ट में कौन सा कलर चाहिए उस कलर में, उस कलर को मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। तो इफेक्ट में मेरे को लेट्स से रेड चाहिए, तो मैं रेड में चूज़ कर लिया। और यहाँ पे अभी आप इसका जो इफेक्ट है वो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ग्लो होता है, तो ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं इसको स्लो में रखना पसंद करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे यहाँ से भी आप रैंडम पे दे सकते हो, तो रैंडम पे ये कलर साइकिल में यहाँ पे साइकिल करता रहेगा, तो वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभार इसको रैंडम में रखता हूँ और कभी कभार इफेक्ट में डाल देता हूँ, तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। ओके, और उसके बाद चलते हैं हम लोग हमारा म्यूज़िक सिंक इफेक्ट पे, जो कि काफ़ी सारे लोगों को पसंद आएगा और मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और म्यूज़िक सिंक इफेक्ट पे गाने की बना कुछ तो होगा नहीं, तो लेट्स से अभी हम लोग एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉन्ग है, प्ले कर दिया। और यहाँ पे आप अभी इफेक्ट देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पे म्यूज़िक सिंक इफेक्ट में काफ़ी सारे यहाँ पे आपको प्रीसेट देखने को मिल जाता है, जैसे कि रॉक में देख सकते हो किस तरीके से ये ग्लो होता है। और उसके बाद हिप हॉप पे कुछ अलग तरीके से यहाँ पे ग्लो करता है, कुछ अलग अलग कलर्स में, एंड मे बी आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकता है। और उसके बाद हमारे पास है पार्टी में ये कुछ इस तरीके से ग्लो होता है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है, तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और स्लीप में ये मतलब एकदम डिम में यहाँ पे ग्लो करेगा, आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट मिलता है यहाँ पे आपको। और उसके बाद है हमारा फंक। एक्चुअली मेरे को ये वाला इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी मतलब यहाँ पे वाइब्रेंट है और काफ़ी आई कैची है, तो ये वाला इफेक्ट मेरा फेवरेट है इन सारे इफेक्ट में से। ओके, और उसके बाद हमारे आते हैं रोमांस में एकदम आई डोंट नो, देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इफेक्ट चल रहा है, आई मीन क्रिएट हो रहा है, वट एवर। उसके बाद है हमारे पास जैज़ में कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्लो होता है, येलो एंड ब्लू कलर में, आई मीन ये कलर साइकिल हो रहा है, मे बी ये एक पैटर्न है। एंड लास्टली हमारे पास है हमारा स्टैंडर्ड इफेक्ट, जो कि नॉर्मली म्यूज़िक के साथ साथ ये ग्लो करता है, देख सकते हो इफेक्ट। तो ये हमारे पास सारे के सारे म्यूज़िक सिंक इफेक्ट है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा स्मार्ट इफेक्ट पे। अभी हम लोग म्यूज़िक को बंद कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में अच्छा हो। और स्मार्ट इफेक्ट में क्या होता है, ये आपका CPU का टेम्परेचर को मेजर करके आपका लाइट्स को चेंज करेगा। लेट्स से आप चाहते हो कि 40 डिग्रीज पर अगर आपका CPU टच होता है तो आपको मतलब एक
इंडिकेट दें कि यहाँ पे आपका CPU 40 डिग्रीज पे यहाँ पर टच हो रहा है। तो यहाँ से आप इस बार को सेट कर सकते हो कि 40 डिग्रीज पे कितना कौन सा कलर का लाइट जलेगा, 60 डिग्रीज पे कौन सा कलर का लाइट जलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको 40 डिग्रीज पे सेट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका CPU का टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे है तो ये वाला जो RGB लाइट्स है वो यहाँ पे ग्रीन कलर में जलता रहेगा, और अगर आपका CPU 40 डिग्री से क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपका ये वाला जो लाइट्स है वो येलो कलर में यहाँ पे जलता रहेगा, ठीक है। तो मैं अगर आप इसको डाउन करता हूँ लाइक 20 डिग्री, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो लाइट्स है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली हमारा CPU का टेम्परेचर अभी 26 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे येलो कलर में ग्लो हो रहा है। और यहाँ पे इसको भी अगर मैं डाउन कर देता हूँ तो अभी आप देखोगे ये रेड कलर में ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो कि आपको कौन से डिग्रीज पे किस कलर के यहाँ पे लाइट्स चाहिए इंडिकेटर के हिसाब से, तो उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और ये आपके RGB लाइट्स बताएगा कि आपका CPU कितना डिग्रीज टेम्परेचर में चल रहा है। तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है, गेम खेलते टाइम या फिर कुछ और काम करते टाइम, हैवी वर्किंग करते टाइम इसको आप मेजर कर सकते हो अपने लाइट्स से और इंडिकेट कर सकते हो लाइक इंडिकेटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट इफेक्ट हमारा है डार्क इफेक्ट, जिससे कि आपका सारे के सारे RGB लाइट्स बंद हो जाएगा। मे बी ये काफ़ी अच्छा काम आ सकता है इनकेस अगर आपको RGB लाइट्स पसंद नहीं है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे आपको लाइट्स नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो। तो ये है डार्क इफेक्ट, ओके। सो दैट्स इट। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बोलना भूल गया, जो कि हमारा इन गेम लाइटिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, इन गेम लाइटिंग इफेक्ट को अगर आप इसको ऑन करते हो तो जब भी आप कोई गेम खेल रहे होंगे तो स्क्रीन में जो भी कलर यहाँ पे स्क्रीन में ज़्यादा रहेगा आपका जो RGB लाइट्स है वो उस कलर में ग्लो करता रहेगा, ठीक है। ये भी काफ़ी हैंडी फीचर है और आपको एक गेमिंग वाइब देता है। जो भी सीन में आप हो, अगर आप एक यहाँ पे वार्म सीन में हो तो यहाँ पे आपका लाइट्स जो है वार्म कलर में ग्लो होता रहेगा। अगर आप एक कोल्ड सीन में हो तो यहाँ पे कोल्ड कलर में या फिर कूल कलर में यहाँ पे ग्लो होता रहेगा। और ग्रीन सीन ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका लाइट्स जो है यहाँ पे ग्रीन में जलता रहेगा, तो वो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है और आपको एक गेमिंग वाइब देता है। और ये वाला इफेक्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको हमेशा ऑन करके रखता हूँ। सो दिस वाज इट। ये मैंने आपको सारे के सारे और इफेक्ट्स दिखा दिए हैं। तो अभी अगर आप कोई ASUS का मदरबोर्ड खरीद रहे हो तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपको किस तरीके से और इफेक्ट देखने को मिल जाता है, RGB इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप कंट्रोल भी कर सकते हो यहाँ से और अपने PC को जो है काफ़ी अच्छा RGB एस्थेटिक्स दे सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने से क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। एंड मैं नेक्स्ट वाला वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।